दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, और एटॉमिक मास गिवन है कॉपर का 63.5 amu। तो क्वेश्चन को करने के लिए अपन सबसे पहले कॉपर जो सल्फेट है, कॉपर सल्फेट उसका मॉलिकुलर मास देख लेते हैं कितना होता है। कॉपर का 63.5, सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 = 64। तो टोटल हो गया ये अपने पास CuSO4 का मॉलिकुलर मास, उनको ऐड कर देंगे तो दिस इज 159.5 ग्राम। ये CuSO4 का पूरा मॉलिकुलर मास अपने पास ऑब्टेन हो गया है। तो इस 159 ग्राम में 159.5 ग्राम अगर टोटल मास है तो उसमें कॉपर कितना है, कॉपर है 63.5। आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कितना कॉपर मिलेगा अगर 100 ग्राम CuSO4 हो, ये कितना हो 100 ग्राम। अगर ये 100 ग्राम लेंगे तो इसमें कितना कॉपर होगा ये पूछ रहे हैं। तो सिंपली अपन यहां पर एक रिलेशन लगा देंगे X1 by X2 = Y1 by Y2। तो यहां वैल्यूज रख देंगे 159.5 upon 100 = 63.5 by X। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो अपने को आंसर मिल जाएगा 39.81 ग्राम। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।